दोस्तों, सेबी की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है जो बहुत ज़रूरी है। नोटिफिकेशन क्या है? दावा आवेदनों में कमी, स्थिति देखने और उन कमियों को अच्छा करने के लिए सुविधा। जी हाँ दोस्तों, लेटेस्ट खबर जनवरी 15 2020 की है। पूरी खबर क्या है? जिन लोगों को अभी तक पल्स के पैसे नहीं मिले, उन लोगों के लिए एक ज़रूरी खबर। समिति ने 3 दिसंबर 2019 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी, जिसमें बताया गया था कि अभी निवेशक आवेदनों को 5,000 जिनके दावे के आवेदन में कमी पाई गई थी, उनके दावों पर लागू होने वाली अच्छी कमियों को पूरा करने के लिए, ताकि उनके दावों को संशोधित किया जा सके। निवेदकों आवेदकों को ₹5,000 तक के दावों के लिए है दोस्तों। ये उन्होंने कहा है कि www.sebipulserefund.com इन पर ऑनलाइन उनके दावे के आवेदनों की स्थिति की जांच करें और यदि कोई हो तो कमियों को सुधारें। पोर्टल 24 जनवरी 2020 से चालू हो जाएगा। इस दावे आवेदन की स्थिति और कमियों को सुधारने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2020 तक होगी दोस्तों। ये उन निवेशकों के लिए खबर है जो निवेशक 5,000 तक की रिफंड प्रक्रिया में आवेदन किए थे और उनके पैसे किसी कारणवश नहीं आए, तो दोस्तों उनमें कुछ कमियां पाई गई हैं, तो उसके सुधारने के लिए सेवी विभाग ये एक मौका दे रहा है और इस मौके को उन्होंने एक समय सीमा में बांधा हुआ है। उस समय सीमा के अंदर अंदर निवेशकों को अपने बॉन्ड से संबंधित सभी गलतियों को सुधारना होगा दोस्तों। तो उन्होंने अभी हमें ये प्रक्रिया चालू नहीं की, उसके बारे में अभी केवल बताया है और ये प्रक्रिया बहुत जल्द चालू हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये प्रक्रिया 24 जनवरी 2020 से चालू हो जाएगी और 31 जुलाई 2020 में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रक्रिया का टाइम यहाँ ख़त्म हो जाता है 2020 की 31 जुलाई को। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाह रहे थे कि यहाँ पर 1,00,000 या 20,000 या 50,000 या 2,00,000 वालों का कोई प्रोसीजर नहीं चालू कराया गया। ये सब जो न्यूज़ आपके सामने इस वक्त दिखाई जाती है, वो सब आपको गुमराह करने के लिए और भ्रम भ्रांतियों को फैलाने के लिए, जबकि हकीकत यह है कि अभी 5,000 वालों के आवेदनों का प्रोसीजर भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, तो आगे की देनदारी का भी कोई प्रोसीजर से भी वेबसाइट पर नहीं आया। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको स्टे न्यूज़ चैनल से दी जा रही है और आपको अगर हमारा चैनल पसंद आए तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अच्छी अपडेट के साथ। तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।